माय नेम इज जय और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। डिड द एजुकेशन सिस्टम रियली कोलैप्स? स्कूल और कॉलेज इंडिया में बंद है सिंस 16 मार्च 2020। रीजन कोविड-19। करंटली इंडिया थर्ड पोजीशन पे है एज कंपेयर टू ऑल द अदर नेशंस ऑफ द वर्ल्ड विद मोर देन 35 लाख कोविड पॉजिटिव केसेस। और अगर यही चलता है एटीट्यूड हमारा बना रहा तो सून वी विल बी क्रॉसिंग ब्राजील, जो हमसे बस 4 लाख पॉजिटिव केसेस दूर है। कोविड केसेस इंडिया में कम होने का नाम नहीं ले रहे और इसका सबसे बड़ा असर पड़ रहा है हमारी इंडियन इकोनॉमी पे। लेकिन हम आज अपनी इंडियन इकोनॉमी की बात नहीं करेंगे क्योंकि उसकी बात पूरा देश कर रहा है। हम बात करने वाले हैं अबाउट द एजुकेशन सिस्टम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नई गाइडलाइन के मुताबिक स्कूल और कॉलेज अब 30 सितंबर तक और बंद रहेंगे। लेकिन स्कूल और कॉलेज को यह ऑप्शन मिला है कि वो अपने 30-50% स्टाफ को ऑनलाइन टीचिंग के लिए बुला सकते हैं। इसके अलावा क्लासेस 9-12 के बच्चों को अपने टीचर्स के पास गाइडेंस के लिए जाना अलाउड है एज लॉन्ग एज दे हैव रिटन कंसेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। चीजों को बैक टू नॉर्मल आने में काफी वक्त लगने वाला है। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस एंड स्कूल्स हैव आइदर पोस्टपोन देयर एग्जाम्स और रीशेड्यूल देम। जिनके पास रिसोर्सेज थे दे हैव रिजॉर्टेड टू ऑनलाइन टीचिंग और यहाँ तक कि कॉलेजेस की ग्रेजुएशन तक ऑनलाइन हो रही थी। ये सब तब शुरू हुआ जब इंडियन गवर्नमेंट ने एक बोल्ड डिसीजन लिया और पूरे देश को टोटल लॉकडाउन में डाला टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोरोना वायरस। लेकिन तब से लेकर अब तक देयर हैव बीन फेजेस ऑफ लॉकडाउन एंड लॉकडाउन बीइंग लिफ्टेड एंड स्टेप्स हैव बीन टेकन टू रिस्टोर द इकोनॉमी। लेकिन स्कूल और कॉलेजेस अब तक बंद है एंड देयर हैव बीन नो गाइडलाइंस व्हेन और वेयर एंड हाउ द स्कूल एंड कॉलेजेस विल बी ओपन। अर्बन स्कूल और कॉलेजेस जिनके पास रिसोर्सेज थे दे शिफ्टेड टू ऑनलाइन क्लासेस। लेकिन वहां पर भी काफी इंस्टेंसेस देखे गए कि स्टूडेंट्स टीचर्स को मॉक कर रहे थे, उनके साथ बुरा बर्ताव कर रहे थे जस्ट फॉर द फन ऑफ इट। जहाँ स्टूडेंट्स को टीचर्स को सपोर्ट करना चाहिए था इन द ट्रांजिशन फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन टीचिंग, वो वहाँ टीचर्स को मॉक कर रहे थे बिकॉज दे वर नॉट टेक सेवी इनफ फॉर देम। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि स्टूडेंट्स को भी काफी इश्यूज हो रहे हैं। दे हैव स्ट्रिक्ट शेड्यूल्स, दे हैव असाइनमेंट, दे हैव ऑनलाइन एग्जाम दैट आर बीइंग पुश्ड एट देम और उन्हें काफी प्रेशर में डाला जा रहा है। टीचर्स और स्टूडेंट्स के बाद पेरेंट्स पे भी इक्वल प्रेशर है। इन सिचुएशन वेयर सम ऑफ द पेरेंट्स हैव आइदर लॉस्ट देयर जॉब और देयर बिजनेस इज नॉट फंक्शनिंग एज यूजुअल, स्कूल एंड कॉलेजेस आर फोर्सिंग देम टू पे द एंटायर फीस इवन इफ द स्टूडेंट्स हैव नॉट यूज्ड दोस फैसिलिटीज। पुणे के एक कॉलेज ने अपने फाइनल ईयर स्टूडेंट्स की फीस के रिगार्डिंग ये क्राइटेरिया रखा है कि अगर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम तक अपनी फीस नहीं पे करता देन ही विल नॉट बी एलिजिबल टू सीट फॉर प्लेसमेंट। हालांकि हकीकत यह है कि कॉलेजेस के पास ऑलरेडी कंपनीज काफी कम है बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस और ऐसी सिचुएशन में कॉलेजेस बस अपना हाथ ये कहकर उठा देंगे दैट वी आर नॉट ए प्लेसमेंट एजेंसी। सो इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग द स्टूडेंट्स बाय चार्जिंग फॉर ओनली द फैसिलिटीज दैट दे हैव यूज्ड, यहां स्टूडेंट्स के करियर के साथ खेला जा रहा है विदाउट इवन प्रोवाइडिंग देम ए गारंटी फॉर ए जॉब इन द एंड। ये बात हो गई अर्बन एरिया की। रूरल एरिया में सिचुएशन इससे भी कई हद तक ज्यादा खराब है। स्कूल और कॉलेजेस 5 महीने से बंद है क्योंकि उनके पास ऑनलाइन क्लासेस की फैसिलिटीज नहीं है और जिन कॉलेजेस और स्कूल के पास ऑनलाइन क्लासेस की फैसिलिटीज है वहाँ स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रही है टू बाय डिवाइसेस और टू हैव ए इंटरनेट कनेक्शन। एक गांव में एक फादर को अपनी गाय बेचनी पड़ी जस्ट टू मेक श्योर दैट उनकी बेटी फोन खरीद पाए सो दैट शी कैन अटेंड हर ऑनलाइन क्लासेस। और एक पर्टिकुलर यूपी के गांव में बच्चों का स्कूल बंद होने की वजह से दे हैव रिजॉर्टेड टू वर्क इन रेस्टोरेंट्स और होटल्स टू अर्न देयर डेली वेजेस। कोरोना वायरस टोटली खत्म होने में अभी काफी टाइम लगने वाला है और उसकी वैक्सीन आने में भी काफी टाइम लगने वाला है, तो तब तक हम क्या कर सकते हैं? पॉइंट वन, एज ए गवर्नमेंट इंडिया शुड स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम कंट्रीज लाइक साउथ कोरिया जहाँ प्रॉपर मेजर्स हैं सोशल डिस्टेंसिंग के एंड दे हैव स्टार्टेड देयर स्कूल्स एंड कॉलेजेस। पॉइंट नंबर टू, स्कूल एंड कॉलेजेस को उन्हीं चीजों की फीस लेनी चाहिए जिसकी फैसिलिटीज वो फिलहाल प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर द पास्ट 5 मंथ इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर द एंटायर फीस। पॉइंट नंबर थ्री, इंडिया को रूरल एरिया में और अटेंशन पे करनी चाहिए और जहाँ तक मुझे लगता है कि वहाँ के कॉलेजेस स्कूल इजिली स्टार्ट हो सकते हैं क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन कम है एज कम्पेयर टू दोज इन दी अर्बन एरियाज। अगर आपको मेरी इस वीडियो में 1% भी फैक्ट दिखा तो डू शेयर इट, क्योंकि जब तक हम इन चीजों के बारे में बात नहीं करेंगे तब तक द गवर्नमेंट विल नॉट बी इंटरेस्ट टू टेक नेसेसरी स्टेप्स टू स्टार्ट स्कूल्स एंड कॉलेजेस। दिस इज जय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।